हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी M20 के लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 और वन यूआई 2 के अपडेट के बारे में। अभी तक मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं करा है एंड हम इस अपडेट को इंस्टॉल करके देखेंगे कि सैमसंग के M20 के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर मैंने सैमसंग के M20 के अंदर मतलब अभी तक नवंबर का सिक्योरिटी पेज इंस्टॉल नहीं किया था, तो मैंने रिसेंटली सबसे पहले जो नवंबर का सिक्योरिटी पेज आया हुआ था तो मैंने उसको इंस्टॉल करा, क्योंकि ये आधा दूरा डाउनलोड हुआ था। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना था बट नहीं बना पाया। एंड नवंबर के सिक्योरिटी पेज इंस्टॉल करने के बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि सैमसंग के M20 के अंदर हम यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। लाइक ऑलराइट, हमने स्क्रीन शॉट लिया एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो दोबारा करते हैं, लॉन्ग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो भाई ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि सैमसंग ने अपने M20 के अंदर ऐड करा है, जबकि यहाँ पर जो हमारा सैमसंग का A50 है वहाँ पर अभी तक ये फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो भाई ऐसे काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि सैमसंग के M20 के अंदर हैं और A50 के अंदर अभी तक हमें नहीं देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये काफ़ी कमाल का लगा, मैं इसके अंदर आपको स्क्रीन शॉट लेकर दिखाता हूँ। अभी फ़ोन स्टार्ट किया तो लोड हो रहा है, ये लिया हमने स्क्रीन शॉट एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन भी नहीं आ रहा अभी, तो शायद सेटिंग में से वो फीचर बंद है, उसको ऑन करते हैं। ऑलराइट, मुझे ये फ़ीचर मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी, मैंने सर्च भी करके देखा इसके अंदर वो फीचर नहीं है स्मार्ट कैप्चर का। तो यहाँ पर हम अगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो नॉर्मली बस स्क्रीनशॉट ही सेव हो जाता है, जबकि यहाँ पर हमें सैमसंग के M20 के अंदर स्मार्ट कैप्चर का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, एडवांस फीचर्स के अंदर, ऑलराइट बैक, ये रहा, ये है स्मार्ट कैप्चर, जहाँ पर कि हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अगर हम कैप्चर करते हैं कोई भी फ़ोटो को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फ़ोटो कैप्चर करता हूँ तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, उसको एडिट भी कर सकता हूँ एंड उसको क्रॉप भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे सैमसंग के M20 के अंदर, जो कि सैमसंग ने अपने A50 के अंदर नहीं डाला हुआ है। एंड अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पर हमें नेगेटिव ब्लर का भी इफेक्ट देखने को मिलता था पहले एंड्रॉयड पाई में, फर्स्ट टाइम जब हमें एंड्रॉयड पाई मिला था उस टाइम पर, बट अब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है वन यू आई वन वर्जन पे, कोर वर्जन पे। एक्चुअली ये M सीरीज़ का स्मार्टफोन है तो इसीलिए यहाँ पर कोर दिख रहा है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर सैमसंग के M20 के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको इंस्टॉल करेंगे एंड जानेंगे कि यहाँ पर हमें इस अपडेट के अंदर क्या कुछ यहाँ देखने को मिलता है। तो जल्दी से करते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल। सो यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है वो अपडेट हो चुका है एंड जस्ट नाउ अपडेट हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हमें मैसेज भी आ चुका है, योर डिवाइस हैज़ बीन अपडेटेड एंड लेट्स जस्ट प्रेस ओके डन एंड देयर वी गो। वन यू आर टू आइकन्स देखने में हल्के से चेंज लगे मुझे, इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं लगा, आपको भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। एंड ये है सैमसंग का वन यू आई टू, एनिमेशन कम्प्लीटली स्मूथ है, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा एज यू कैन सी। बट जो ब्लर इफेक्ट है वो अभी भी नहीं आया है सैमसंग के M20 के अंदर, हालांकि एंड्रॉइड पाई का फर्स्ट अपडेट में था। एंड कम्प्लीटली स्मूथ,
नोटिफिकेशन पैनल चे ओके। सो यहाँ पर एक बड़ा गंदा लेग मार रहा था अभी, एंड ये स्मूथ नहीं लग रहा मुझे पहले के कंपैरिजन में, इतना स्मूथ नहीं है। मे बी नेक्स्ट अपडेट में हो जाए, ये देख सकते हैं हल्का कहना कि मुझे अटक्कापन लग रहा है, अटक अटक कर हो रहा है, बट मे बी नेक्स्ट अपडेट में सैमसंग इसको फिक्स कर दे। एंड यहाँ फोकस मोड, डार्क मोड, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन से। सो लॉक स्क्रीन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो नोटिफिकेशन है इस तरीके से दिखाई देंगे, एंड इसको भी हम काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अनलॉक करते हैं, एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स, नोटिफिकेशन पैनल अगर का फुल का चेंज कराया सैमसंग ने, और यहाँ पर एनिमेशन चेंज करे हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन आ गए हैं। ऑलराइट, सो एनिमेशन भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली और स्मूथली, काफ़ी फास्ट वर्क कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सैमसंग के M20 के बारे में मैं ये एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ, M20 का जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं सैमसंग ने अच्छा दिया है एज़ कम्पेयर टू M30, बिकॉज M30 के जो यूज़र्स हैं वो एनिमेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस भी हल्की बता रहे हैं, जबकि मैंने अभी ज़्यादा हैवी तो यूज़ करा नहीं, बट परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लग रही है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे उसके बाद में बताएंगे। एडवांस फीचर्स, स्क्रीनशॉट, तो सभी चीज़ बढ़िया है, परफेक्टली वर्क कर रही है। एंड्रॉयड 10 1UI 2 जा कर के चेक करते हैं। अबाउट डिवाइस, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, 1UI 2 कोर, ये कोर वर्जन पे है बिकॉज़ ये M सीरीज़ का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर थोड़े से कहीं ना कहीं सैमसंग आइकन चेंज करता है, अभी मेरे को नज़र नहीं आ रहे, साइड बाय साइड देखते हैं तो फिर शायद हमें पता चल पाए। सैमसंग का A50, एंड आई थिंक अब कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है आइकन्स के अंदर, जो कि हमें पहले देखने को मिलता था, अब ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं मुझे आइकन देखने में। तो बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पहले थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलते थे आइकन हमें सैमसंग की M सीरीज़ में, बट यहाँ पर कोर वर्जन बताया हुआ है, मैं भी पता नहीं क्या इसके पीछे रीज़न है सैमसंग का जो ये कोर लिखा हुआ है इन्होंने। थोड़ा कैमरा सीधा करते हैं, ऑलराइट, ओके फाइन, नाउ परफेक्ट। सो यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल परफेक्टली और स्मूथली वर्क, ओके। सो यहाँ पर फोल्डर को ओपन और ऑन, मतलब खोलने में, ऑन करने में, इस तरीके से यहाँ पर भी लेग दे रहा है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, बट जो मेन चीज़ है एनिमेशन, यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कोई भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आई परफॉर्मेंस के मामले में, यहाँ पर मतलब एनिमेशन वगैरह के मामले में। और डिवाइस केयर, कंप्लीट न्यू UI, बाकी मैं इसका कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू लेकर आऊँगा अगर आप चाहोगे, आप मुझे क्यों नहीं बताते नीचे कमेंट करके, अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। सो यहाँ पर बात करें कंक्लूजन के बारे में कि आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस अपडेट को अपने M20 के अंदर, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डिवाइस के यूज़र इंटरफेस में कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा लेग देखने को मिलते हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 12 बजे के करीब, यानी कि इस वीडियो को एडिट में काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के, और मैं जब से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ तो डिवाइस में कई जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो भी मतलब पहले के कंपैरिजन में, मैं ज़्यादा तो इसे यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे तो इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं लगा। बैटरी के मामले में मैं कहना चाहूँगा सिर्फ एक ही चीज़, 5000 mAh की बैटरी है और मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका बैटरी बैकअप लगा है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग का नोट 9 या फिर सैमसंग का A50 के कंपैरिजन में। सो मुझे यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस डिवाइस का बैटरी बैकअप सैमसंग ने कहीं ना कहीं डाउन किया है या फिर इंप्रूव नहीं है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड पाए, तो फिर ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। बाकी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ आपको यूज़र इंटरफेस के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, A50 से कम है, अब प्रोसेसर भी इसका थोड़ा सा कम पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू A50, बट बहुत ज़्यादा बेहतर लगा मुझे ये अपडेट। बस जो फ्रेम ड्रॉप है, मैं भी सैमसंग नेक्स्ट अपडेट में इसको फिक्स कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
और यही था आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।